तो लिखा है कि तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक फ्लोर की वृत्ताकार परिधि पर, एक जो फ्लोर होता है फरस यानी, उसकी वृत्ताकार परिधि पर यानी ऐसे गोल था, तो कहता है उसकी वृत्ताकार परिधि पर तीन लड़के खड़े हैं, ठीक है, तीन लड़के खड़े हैं और वे एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, यानी मान लो एक यहाँ होगा तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे तीन लड़के हैं, ये समान दूरी पे हैं, ये ए मान लेते हैं, ठीक है, ये बी मान लेते हैं और ये सी। यदि परिधि की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, यानी इसके केंद्र से इस वृत्त की जो परिधि की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर हो, तो दो लड़कों के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, यानी ये दो लड़कों के बीच की दूरी निकालना है, चाहे ये निकालो चाहिए तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है कि दो लड़कों के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी निकालना है। तो चाहे आप ए बी निकालो, चाहे बी सी निकालो, चाहे ए सी, क्योंकि तीनों बराबर दूरी पर ही खड़े हैं, ठीक है। तो इसको करने का, तो त्रिज्या तो आपको पता ही है 5, ठीक है। तो इसको करने के लिए दो तरीके हैं, तो पहले हम एक ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है कि जब आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन में त्रिज्या पता हो और ये बराबर बराबर भुजाएं निकालनी है, तो जो त्रिज्या होती है वो बराबर होती है कि ए बी गुना बी सी गुना ए सी और बट्टे में 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो त्रिज्या आपको क्या दे रखी थी, 5, ठीक है। तो आप लिखोगे 5 बराबर, ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो मान लोगे कि तीनों भुजा x है, तो माना तो जो भुजा है या तीनों के बीच की जो दूरी है, तो भुजा या दूरी है वो x मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा x गुना x बटे में 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, ये ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये कैसा त्रिभुज है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए समबाहु है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से ये 2x कट जाएगा, तो 5 बराबर एक्स बटे में 4√3/4, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, तो बटे में √3, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा 5√3। तो आपको पता चल गया कि दो लड़कों के बीच की दूरी 5√3 मीटर है, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता है, ठीक है, तो वो बताता हूँ मैं। तो ये इस समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो इसका नाम था ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ये जो यहाँ से जो केंद्र मान लेंगे ओ, तो ये त्रिज्या दे रखा था तुम्हें 5, ठीक है, त्रिज्या आपको 5 दे रखा है। आपको ज्ञात करना है कि ये तीनों लड़कों के बीच की दूरी यानी ए बी ए बी सी या ए सी, ये आपको ज्ञात करना था। तो ज्ञात करना था ए बी बी सी या ए सी, तीनों में से कोई, ठीक है। और ना इसको ऐसे मिला देंगे तो ये डी तक बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हम ए को ओ से मिला के डी तक बढ़ा देंगे, तो ये जो ओ ए है ये भी त्रिज्या हो जाएगा, तो ओ ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ओ डी इसके ऊपर लंब होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पर लंब होता है, और जो ये लंब होता है इसको 2 भागों में बांटता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर बी डी। तो अब ये भी 5 हो जाएगा, तो अब आपको याद रखना है कि AO, ठीक है, AO बटा OD इसका अनुपात 2/1 होता है, तो OA कितना है, 5/OD = 2/1, तिरछा गुना कर दोगे तो OD का मान आ जाएगा 5/2, यानी ये 2.5 आ जाएगा। फिर आपको ये त्रिभुज दिख जाएगा, त्रिभुज ODC में, तो ये जो छोटा सा त्रिभुज है ODC में, इसमें पाइथागोरस लगा दोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी ओडी 2.5 का स्क्वायर और जमा में आधार यानी सी डी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2/5 का स्क्वायर 6.25 जमा सी डी का स्क्वायर,
ये दरा घट जाएगा, तो 25 में से घटा दो 6.25 बराबर सीडी का स्क्वायर, तो इसे घटाओ तो 25.00 में से 6.25 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 18.75 सीडी का स्क्वायर। इसके बाद ये स्क्वायर आके इस पे रूट चढ़ जाएगा 18.75। तो इसको जब आप एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, चलो 18.75 पॉइंट को छोड़ के अभी एलसीएम लेते हैं 3 से 3 6 18 3 6 3 5 15 तो फिर ये 25 से करेंगे 25 और फिर ये 25 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, तो ये आएगा आपका 2.5 और गुना में 3 तो सीडी, तो यानी सीडी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 2.5√3। तो जब सीडी अगर 2.5√3 है तो बीडी भी कितना जाएगा सीडी के बराबर, तो वो भी 2√5 हो जाएगा 2.5√3। अब दो लड़कों के बीच की दूरी बीसी निकालना है, तो बीसी निकालने के लिए बीडी और सीडी दोनों जोड़ देंगे, तो 2.5√3 और 2.5√3 दोनों जोड़ देंगे तो 5√3 है, ठीक है। लिखा है रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाकार के हैं, रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स की गहराई से 20% कम है। तो रीता के बॉक्स की धारिता यानी आयतन और मीता के बॉक्स की धारिता यानी दोनों का आयतन में क्या अनुपात है, तो दोनों में आपको अनुपात पता करना है, ठीक है। एक लड़की का नाम है रीता और एक लड़की का नाम है मीता, दोनों के पास ऐसे घनाकार जैसे बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले कि लिख लेंगे माना कि जो मीता है, तो माना मीता के बॉक्स की जो लंबाई है और चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो एक्स वाई और जेड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लंबाई एक्स, चौड़ाई वाई और ऊंचाई जेड मान लेंगे, ठीक है। फिर अब आपकी रीता जो हो जाएगी, फिर जो रीता हो जाएगी, तो रीता की जो बॉक्स की जो लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है तो वो आप पढ़ो कितनी है। तो लिखा था कि रीता और मीता के लंच बॉक्स घनाभ के आकार के हैं, रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स की लंबाई 10% अधिक है। तो अगर मीता की हमने अभी लंबाई एक्स ली है तो इसकी 10% अधिक है, तो यानी x का 10% अधिक लोगे तो ये हो जाएगा आपका, तो मान लो x 100% है, इसमें 10% बढ़ाओगे तो ये जाएगा 1.1x और ये भी 1.1x, लंबाई चौड़ाई दोनों 10% अधिक है। फिर आगे कहा था परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स की गहराई से 20% कम है, तो इसकी जो गहराई यानी ऊंचाई z है तो इसकी जो गहराई है तो वो 20% कम है। तो अब x है, x का 20% कम करो, तो x में से अगर तुम x का 20% कम करोगे ना तो बचेगा 80%, और 80% कैसे लिखोगे, तो वो लिखोगे 80/100 गुना x, 0 0 कट जाएगा तो 0.8x, तो ये जाएगा 0.8x। अब हमें क्या बोला था कि दोनों के धारिता में अनुपात निकालो, ठीक है। तो हमें दोनों के लंच बॉक्स की धारिता का अनुपात निकालना है, तो पहले हम रीता का ऊपर लिख देंगे और मीता का नीचे, तो लिख देंगे रीता के बॉक्स की धारिता, रीता के बॉक्स की धारिता और बट्टे में आ जाएगा मीता के बॉक्स की धारिता, तो रीता के बॉक्स की धारिता लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और मीता की भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो मीता की लंबाई गुना चौड़ाई गुना चाहिए कितनी, 1.1x, 1.1y, फिर 0.8z और बटे में x गुना y गुना z, x से x, y से y, z से z कट जाएगा, 1.1, 1.1 और 0.8 बचेगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 11 121 गुना 8 बटे में 1000, 9 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
हजार,
इसको आप काट दोगे चार के पाड़े से तो ये आपका बन जाएगा 121 बटे 125, तो अनुपात आ जाएगा 121:125। ठीक है, तो दोनों का जो बॉक्स का अनुपात है 121:125, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,